हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल ए3 एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि हम नॉन वर्बल लिसनिंग स्टार्ट करने वाले थे, इसके पहले कि कुछ चैप्टर पढ़ा चुके और नॉन वर्बल में ही आते हैं, जैसे कि हमने पासा पढ़ा, हमने उसमें जा करके क्लॉक पढ़ा, ये सारे नॉन वर्बल के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे, कल एक्चुअली पे मैंने सोचा था कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू पढ़ाया जाए, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आई थी, ठीक है ना? तो मैंने सोचा चलिए लाइव ही पढ़ाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ड्राइंग बनाने में, तो मुझे लगा कि डायरेक्टली वैसे ही पढ़ाते हैं, तो वैसे में आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम है उसी को तो सोल्यूशन करने के लिए थ्री अकेडमी है। तो चलिए आज के आपसे आपको डायरेक्टली ड्राइंग बना करके बोर्ड में ही समझाया जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का सीरीज, ठीक है ना? क्या देखेंगे? सीरीज। आपके सामने इस तरह एक सीरीज रहेगी और आपको चार ऑप्शन रहेंगे, आपको बताना पड़ेगा। तो सीरीज के करीब दो पार्ट होंगे और दो पार्ट में हमने मॉडरेट, ना बहुत इजी ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन को उठाया है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का जो एक मेथड हो चुका होगा, क्योंकि आपने अभी तक ऐसे मेथड को पढ़ा नहीं होगा, पढ़े होंगे तो समझे नहीं होंगे नॉन वर्बल लिसनिंग, क्योंकि बहुत कम पढ़ाई जाती है और बहुत कम थोड़ा सा समझ में आ जाता है। तो आप पेपर में ज़्यादा आता भी नहीं है, नॉर्मली एक दो क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर भी लोग क्या करते हैं कि जो नहीं पढ़ता है, सिलेक्शन जिनका रुकता है, तो एक दो नंबर से ही तो रुक जाता है। तो जब कंपटीशन में हम आते हैं तो हमारे लिए आधा आधा नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो एक दो नंबर तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, ये अगर जो SSC की बात करें तो SSC का यह फेवरेट है। SSC में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, और उसी तरह रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। व्यापम में उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन क्वेश्चंस पुलिस वगैरह में, SI वगैरह में पूछ लेता है। तो देखिए, आप आज हम देखेंगे सीरीज और इसको सॉल्व करना करते कैसे हैं। देखिए, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला आप याद रखिए कि जहाँ पे अगर वर्ग दिया होता है, वर्ग में कोई चीज़ जैसे यहाँ पे दी हुई है, तो इसको हम ऐसे पार्टों में, दो दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, दो दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। और जब कोई चीज़ काउंट करते हैं, कोई डायग्राम, तो हम यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, ऐसे काउंट करते हैं किसी चीज़ को। तो कोई डायग्राम पहले यहाँ होगा तो या तो यहाँ जाएगा, या तो यहाँ जाएगा, यहाँ है तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ है तो यहाँ जाएगा, बीच में इधर कहीं नहीं आएगा। तो ये आपको देखना है कि कहाँ पे कितने स्टेप आगे जाता है, पहला रूल। दूसरा रूल आपको क्या देखना है कि कोई भी सिंबल एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक से चीजें हैं, आपको याद रखना है। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहला, बहुत इजी है, इसमें कोई ट्रिक नहीं। बहुत बच्चे बोलते हैं सर इसकी कोई ट्रिक बताइए, कोई ट्रिक, तो बता दूं आपको इसकी कोई ट्रिक नहीं होता। ये जो डायग्राम होते हैं इनको हमें समझना पड़ता है। जैसे एक पुलिस वाला होता है तो क्या जाता है, हमेशा देखिए घटना स्थल पे जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीजों को देख के अपना दिमाग लगा के सोचता है ये हुआ होगा तो ये हुआ होगा, तो अपनी कहानी बनाता है। उसी तरह आपको थोड़ा थोड़ा सा इनको देख के क्या करना है, सुराग देख करके एक डिटेक्टिव, एक जासूस वाला दिमाग लगा के इनको सॉल्व करना है कैसे चेंज, बस इसमें ना कोई लॉजिक। बहुत बच्चे बोलते हैं सर इसकी कोई ट्रिक बताइए, कोई लॉजिक, तो इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, जो होता है इसी के हिसाब से। जैसे आप बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग की कोई ट्रिक बताइए, भाई कोडिंग डिकोडिंग की ट्रिक थोड़ी ना होती है कोई, हम देखते हैं उनमें कितने का अंतर है, कैसा निकाल लेते हैं, उसी तरह उसके हिसाब से हम कर देते हैं, इसी तरह इनके हिसाब से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपके पास ये एक डायग्राम है, दो तीन चार पांच डायग्राम बने हैं, आपको बताना है इसके अगला क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी वाला, कौन सा आगे बनेगा, इसके आगे यहाँ पे कौन सा डायग्राम बनेगा, आपको ये बताना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या, ये एक सैंबल बना हुआ है, ये इसको अब बी के जैसे कह सकते हो, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, ये एक सैंबल बना हुआ है, ठीक है? आप देख रहे हैं पहले कॉलम में एक सैंबल बना हुआ है। उसके बाद देखिए दूसरा जो है, तो दूसरे में क्या चेंज हुआ है, तो देखिए दूसरा में क्या है, यहाँ से यहाँ चला गया, तो कैसे गया होगा, हमने क्या बोला था आपको, हमेशा वर्ग को देखना है दो, तो यहाँ से आप काउंट करिए, यहाँ था ना, तो यहाँ से एक और ये हो गया आपका दो, यहाँ पे आया है दो, तो दो घर कैसे चला है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे चला है, भाई एंटी क्लॉकवाइज पीछे की ओर चल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे घड़ी के कांटा के विपरीत, तो एंटी क्लॉकवाइज। और देखिए क्या चेंज हो रहा है, देखिए जब यह एंटी क्लॉक चला दो घर,
कितने घर चला? आप बोलेंगे सर दो घर चला। कैसा चला? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें चेंज क्या हो रहा है? आप देखिए इसमें वर्टिकल चेंज हो रहा है, मतलब कि जो पहले छोटा वाला ऊपर था तो नीचे आ गया है, जो नीचे वाला था वह ऊपर चला गया है। और ये लाइन की इधर सेम है, मतलब जो नीचे छोटा था वह ऊपर चला गया है और जो ऊपर छोटा था वह नीचे आ गया है, ठीक है ना। अब अगले पे देखिए, अगले पे यहाँ पे आ गए ना। अब देखिए कितने घर चला है, तो आप बोलोगे इसमें चला है एक दो और तीन घर चला है। तीन घर चला है ना, यहीं पे था ना। तो देखिए यहाँ पे है ना सिंबल, तो एक दो तीन, अगले चित्र में तीसरा आ गया है। अब देखिए इसमें चेंज क्या हुआ है, इसमें हॉरिजेंटल चेंज हुआ है। कैसे? ये यहाँ पे था, देखिए ऐसे चित्र बना हुआ है ना, ये बड़ा ऐसे और छोटा ऐसे। अब इसमें क्या किया है, इसको इधर घुमा दिया है और ये ऐसे कर दिया है, मतलब कि यह अब कैसा हॉरिजेंटल चेंज हो रहा है, लेफ्ट का राइट कर दिया है, राइट का लेफ्ट, ठीक है ना। पहले वाले डायग्राम में जब दो घर चलता है यहाँ से एक दो, तो कैसे चेंज होता है, और आपका वर्टिकल चेंज होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, जैसे आप जल प्रतिबिंब में देखते हो। उसके बाद जब तीन कॉलम चलता है एक दो और तीन, इसमें तीन आया ना, तो इसमें चेंज कैसे हो रहा है, तो आप बोलोगे इसमें जैसे मिरर में चेंज होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। देखिए बड़ा वाला ऊपर है तो ऊपर ही है, छोटा वाला नीचे है तो नीचे है, बस स्थान बदल गया, इधर का इधर और इधर का इधर हो गया है। अब देखिए उसके बाद अगले में कितना चला है, तो अगले में देखिए एक और दो चला है, बिल्कुल दो चला है, दो चला है। और हमने क्या बोला, जब दो चलता है तो कैसे होता है, तो आप बोलोगे सर वो जो होता है जल प्रतिबिंब के जैसे, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। तो देखिए यहाँ पे ऊपर क्या था, बड़ा था, ठीक है, तो नीचे बड़ा आ गया। यहाँ पे नीचे क्या था, छोटा था, तो यहाँ पे नीचे ऊपर चला गया है छोटा, तो चेंज हो गया है। अब देखिए अगले में यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे, अब इसके बाद दो स्टेप चला ना यहाँ से एक, ठीक है ना, यहाँ पे था ना ये, तो देखिए एक और दो स्टेप चला, अब यहाँ था, अब यहाँ से देखिए कितने स्टेप चला, तो एक दो और तीन, तीन स्टेप चला। और जैसे तीन स्टेप चलता है तो कैसे होता है चेंज, तो आप बोलोगे सर यह जो होता है यह हॉरिजॉन्टल होता है। तो कैसे हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, तो ये नीचे वाला इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अगले में कितनी बार चलेगा, तो आप बोलोगे सर अगले में चलेगा दो बार। भाई यहाँ था तो फिर तीन बार चला ना, यहाँ से भाई एक दो और तीन, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब जो चित्र बनेगा अगला, तो कितने बार चलेगा, दो बार, मतलब एक और दो यहाँ आएगा। अब जो भी बनेगा यहाँ बनेगा, तो या तो ये वाला बनेगा या तो ये वाला बनेगा, ये दो तो आप ऑप्शन पहले कट कर दोगे, इन दोनों में से एक आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, दो कॉलम जब चलता है, दो कॉलम में कैसा चलता है, तो आप बोलोगे सर दो कॉलम में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता है, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर का नीचे सेम बनेगा, तो नीचे बड़ा वाला है तो इसमें कैसा चला जाएगा, बड़ा वाला चला जाएगा ऊपर, ऊपर छोटा वाला है तो नीचे आ जाएगा छोटा वाला, तो ऐसा सिंबल कहाँ भी बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, एकदम इजी है। आगे देखिए अगला प्रश्न जो है, अगले में देखिए यहाँ पे क्या है, सेम उसी तरह है, ये एक सीरीज हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एरो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो पांच दिए हैं, एक दो तीन चार पांच। अब बताइए यहाँ पे छठवें में अगले चित्र कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो आप देखिए पहले एरो को पकड़ लीजिए, एरो को पकड़ा आपने, एरो पहले क्या है, तो आप बोलोगे ऐसे है, यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, तो आप बोलोगे 90 डिग्री एरो गया है, 90 डिग्री एरो गया, भाई पहले एरो ऐसे था अब ऐसे हो गया, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है। अगले सिंबल में देखिए फिर कैसा आया है, तो आप बोलोगे, अब देखिए फिर 90 डिग्री आ गया इस बार क्लॉकवाइज, तो पहले एक बार क्या गया है 90 डिग्री, एक बार गया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दोबारा क्या गया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दोबारा अब क्या गया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड पहले एंटी क्लॉक गया ना, यहाँ से ऊपर चला गया, फिर क्लॉकवाइज आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद एक बार और क्लॉकवाइज आ रहा है, देखिए यहाँ से ऐसे, ये यहाँ चित्र था, यहाँ से यहाँ एक बार फिर क्लॉकवाइज आ गया, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज। अब दो बार क्लॉकवाइज आ चुका, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, अब इसके बाद देखिए फिर एंटी क्लॉकवाइज गया यहाँ से, दो बार क्लॉकवाइज जाने के बाद एक बार एंटी क्लॉकवाइज गया, तो कहाँ पे गया, यहाँ पे, यहाँ पे गया एंटी क्लॉकवाइज। अब अगली बार में क्या होगा, अगली बार में भी अब क्या जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, अगली बार में क्या जाएगा एंटी क्लॉकवाइज,
क्योंकि दो बार क्लॉक और दो बार एंटी क्लॉक, तो कहाँ जाएगा? क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर, मतलब एरो ऊपर जाएगा। अब देखिए एरो ऊपर में कितना है, तो देखिए पहले ये वाला तो डायरेक्टली गलत कर दोगे, क्योंकि देखिए दो लाइनें होंगी, एक एरो और एक ये गोला, दो होंगे, तो इसमें तो केवल ऐसे ये वाला तो होगा नहीं, इसमें दो गोला गोला है, ये वाला भी होगा नहीं, इसमें क्या है, इसमें तो दो सिंबल ही नहीं है। तो आप यहाँ से तो डायरेक्टली देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ से भी देख सकते हो और देख भी सकते हो कि एंटी क्लॉक वाइज जाएगा, यहाँ से एंटी क्लॉक वाइज तो ऐसे पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपके सामने दो प्रश्न और दिख रहे हैं, देखिए इसमें जो चार पांच सैंपल दिए हुए हैं, अगला बताना है छठवां कौन सा है, और इसमें भी बताना है छठवां कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, पहले इस सैंपल को देखिए, इसमें क्या है, इसमें एक गोला है, इसमें क्या है, ये वाला है, और इसमें एरो है, मतलब क्रम, पहले गोला है, फिर ये सैंपल है, फिर एरो है, फिर यहाँ पे गोला है, फिर ये सिंबल है, और अगला क्या होगा, अगला अब एरो होगा। समझ में ये बात आ गई, सीरीज चल रही है, पहले ये गोला है, फिर ये वाला सिंबल है, और फिर जाकर के यहाँ पे एरो है, यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे गोला है, फिर ये सिंबल है, तो अगला छठवां जो होगा एरो होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, दो कट जाएगा, अब या तो सी होगा या तो डी होगा। अब देखिए आगे देखते हैं, तो अब आप ये देखिए कि ये वाला चित्र था, इसके बाद एक यहाँ पे एक खाली है, और उसके बाद दूसरे में आ गया है ये सैंपल, उसी तरह यहाँ पे सैंपल है, इसमें देखिए यहाँ पे सैंपल है ना, तो एक खाली है और यहाँ पे दो खाली है, उसके बाद क्या आ गया है, एरो आ गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक खाली है, ये दो खाली है, और ये तीन खाली है, फिर क्या आ गया है, ये गोला आ गया है, गोला कहाँ पे है, यहाँ पे है गोला। अब इसके बाद क्या है, अगला सैंपल, तो अगला सैंपल देखिए, अगले सैंपल में जब आप जाएंगे तो अगले सैंपल में क्या देखेंगे कि देखिए क्या है, यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे अब देखिए एक खाली, दो खाली, तीन खाली, और ये, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया है सैंपल। अब आपको बताना है कितने खाली, तो यहाँ पे एक खाली, दो खाली, ठीक है ना, तीन खाली, चार खाली, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे, तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अगला सी, ठीक है। कैसे, एक बार और देखिए, यहाँ पे क्या है, एक खाली है और यहाँ पे आ गया है, ठीक इसी तरह यहाँ पे देखिए एक और दो खाली है, एरो आ गया है। अब यहाँ पे देखिए एक खाली, दो खाली और तीन खाली, चौथे के बाद ये आ गया है एरो यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए तो इसी तरह ये वाला जो सिंबल है यहाँ पे क्या लगा है, ये लगा है। अब इसमें देखिए कितने खाली होंगे, तो आप बोलोगे एक खाली, ठीक है ना, और इसमें कितने खाली थे, तो आप देखिए यहाँ पे जो सिंबल आया था यहाँ पे कितने खाली थे, तो आपने देखा एक खाली, दो खाली, तीन खाली और चार खाली, अगले पे यहाँ पे चार है, तो अगले में क्या होगा, पांच खाली, पांच खाली कहाँ पे जाओगे, एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये और पांच ये, और जो एरो आएगा आपका यहाँ पे आएगा, क्या एरो आएगा, तो एरो जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये वाला होगा ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न भी, जो चौथा प्रश्न है, इस पे सबसे पहले आपको देखना ये खाली वाला, खाली वाला क्रम, तो देखिए अगले पहले यहाँ पे खाली है, फिर 90 डिग्री क्या है, ये यहाँ पे खाली है, फिर ये वाला यहाँ पे खाली है, जो चौथा है तो यहाँ पे खाली है, पांचवा जो है यहाँ पे, जो छठवां होगा यहाँ पे खाली होगा, तो यहाँ पे खाली कौन सा ऑप्शन है, ये वाला तो नहीं है, ये वाला भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो यहाँ से या तो बी होगा या तो सी होगा या तो डी होगा, ए तो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि खाली ये कोने वाला होगा, क्यों, क्योंकि पहला ये खाली है, दूसरा ये खाली है, तीसरा ये खाली है, चौथा ये खाली, पांचवा ये खाली, छठवां ये वाला खाली होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, जब ये अंदर है, ये दो अंदर हैं, तो ये वाला बाहर है, जब ये दो बाहर हैं तो ये वाला अंदर है, तो अगली सीरीज में फिर देखिए, जब ये दो अंदर हैं तो ये वाला सैंपल बाहर है, फिर जब आप देखिए कि ये दो बाहर हैं तो ये अंदर है, तब इसी तरह देखिए आप, जब ये दो अंदर हैं और ये बाहर है, तो अगले में क्या होगा, ये वाला अंदर होगा, ये दो बाहर होंगे, तो ये दो बाहर होंगे, मतलब कि ये दो बाहर होंगे, तो या तो ये वाला होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगली सीरीज में जब ये बाहर है तो ये अंदर होगा, ये दो बाहर होंगे, तो ये वाला भी हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर जो बी होगा
वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला अंदर है और ये वाला अंदर है, ये बाहर है, तो अगला जो सिंबल होगा ये वाला अंदर हो जाएगा, ये दो बाहर की ओर जाएंगे। तो इसमें देखिए ये अंदर हो गया है, बाहर था, और ये दो बाहर अंदर से, ये दो बाहर हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छे से देखिए, पहले यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ पे खाली, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो अगला यहाँ पे खाली होगा। और इस सीरीज में क्या है, जब ये दो अंदर की ओर हैं तो ये बाहर की ओर है। अगले में देखिए, जब ये दो बाहर की ओर हुए हैं तो ये वाला अंदर की ओर हुआ है। फिर अगले में देखिए, जब ये दो अंदर हैं तो ये बाहर की ओर है। फिर देखिए, जब ये दो बाहर की ओर हैं तो ये अंदर की ओर है। अब देखिए, ये दो जब अंदर की ओर हैं तो ये बाहर, तो अगले में क्या होगा, ये अंदर की ओर और ये दो बाहर की ओर। तो ऐसा एक ही मात्र ऑप्शन है, जब ये दो बाहर की ओर ये अंदर की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आप अच्छे से समझते चलिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपके सामने दो प्रश्न और दिख रहे होंगे, तो इसमें देखिए सेम उसी तरह है। हमको क्या करना है, चार सैंपल दिए हुए हैं, पाँच और छठा ज्ञात करना है। छठे प्रश्न में भी पाँच दिए हैं और छठा ऑप्शन में बताना है क्या होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, अगली कौन सी आकृति होगी इनमें से बताइए। तो आपको करना क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, एरो देखना है। तो देखिए इसमें एरो यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे गया है, तो यहाँ से यहाँ कितने गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री में गया है, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना गया है, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो बोलोगे यहाँ से यहाँ सर 45 डिग्री पे गया है, 45 डिग्री पे। अगला देखिए, यहाँ से ये कोने में गया है, तो भाई जब ऐसा है और इस कोने में, तो 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ ये कोने में ही गया है भाई, ऐसे ऐसे, तो कितना 90 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ आया है, मतलब कितना 45 डिग्री। तो हमें समझ में आ गया कि अगली सीरीज क्या होगी, 90 डिग्री। तो जो एरो होगा वो तो नीचे वाला होगा, इधर आएगा एरो, अगली सीरीज में एरो जो होगा वो ऐसे आएगा, नीचे आएगा। ये तो हम समझ गए, क्योंकि अगला 45 है, तो अगली वाली आकृति में कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री 45 डिग्री, 90 डिग्री 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ये सीरीज चल रही है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो कट हो जाएगा, उसके बाद ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा। अब तो या तो बी होगा या तो सी होगा, ये दोनों सेम है। अब देखिए गोला देखते हैं, और ये दोनों कैसे चले हैं, तो आप देखो यह एंटी क्लॉक वाइज चला है, एरो यहाँ से यहाँ गया है, कैसा, एंटी क्लॉक वाइज 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ कितना गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉक, कैसे, ऐसे। फिर दूसरा यहाँ से यहाँ गया है, कैसा, एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, ऐसे, फिर ऐसे। तो एंटी क्लॉक वाइज एरो चल रहा है, पहले 90 डिग्री फिर 45 डिग्री, 90 डिग्री फिर 45 डिग्री। अब इसको देखते हैं, जो गोला है, देखिए गोला यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया है, मतलब कितना, तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ आया है, कितने डिग्री में, भाई यहाँ पे था तो यहाँ पे आया, तो आप बोलोगे ये गया 45 डिग्री, कैसे, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, क्योंकि घड़ी की अब सीधी दिशा में चल रहा है। उसके बाद 45 के बाद देखिए यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो कितने, 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसा, क्लॉक वाइज। अब देखिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ, कितना, 45 डिग्री, कैसा, क्लॉक वाइज। अब देखिए ये यहाँ से चला गया है यहाँ पे, कितने डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, कैसा, तो 90 डिग्री गया है क्लॉक वाइज। अब देखिए यहाँ से क्लॉक वाइज जाए, घड़ी कांटा यहाँ से ऐसे, ये कोने में जाएगा ऐसे, मतलब कैसे जाएगा, ये कोने से जाएगा ऐसे। तो ये दोनों सिंबल कहाँ पे दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगली आकृति कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी, ऑप्शन नंबर सी वाली। बहुत इजी है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए जो अगला प्रश्न है, ये आकृतियां दी हुई है, सबसे ज्यादा पेपर में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया है, तो देखिए यहाँ पे बराबर है, फिर गुणा है, फिर ये गोला है, फिर त्रिभुज है। इसके बाद क्या किया है, देखिए बराबर एक स्थान नीचे आया है, गुणा भी एक स्थान नीचे आया, गोला भी एक स्थान नीचे आया, और त्रिभुज हो गया है गायब, और नया सिंबल आ गया है सी। उसी तरह देखिए अब इसमें क्या किया है, एक नया सिंबल आ गया है, ये वर्ग आ गया है, और जो सी था वह एक स्थान नीचे गया है, बराबर और एक स्थान नीचे गया है, और गुणा एक स्थान और नीचे गया, ओ हो गया है गायब। अगली आकृति में देखिए ये जो एरो है ये नया आया है, उसके बाद जो ये था एक स्थान नीचे गया है, सी एक स्थान नीचे गया है, और बराबर भी एक स्थान नीचे गया, गुणा हो गया है गायब। तो अगली आकृति में क्या है, देखिए प्लस नया सिंबल आया है, एरो गया एक स्थान नीचे, ये भी एक स्थान नीचे, और सी भी एक स्थान नीचे गया है, और बराबर हो गया है गायब। तो जो अगली आकृति है उसमें तो मानिए सी हो जाएगा गायब, सी हो जाएगा गायब, मतलब कि सी जिसमें होगा वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें सी है, ठीक है, इसमें भी सी है, ये दो ऑप्शन हो जाएंगे गलत।
आप या तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा, या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए इसमें क्या था, प्लस था तो प्लस एक स्थान नीचे आएगा, प्लस एक स्थान नीचे आएगा, ऊपर है ना तो प्लस एक स्थान नीचे आएगा, तो प्लस एक स्थान नीचे किसमें आया है, इसमें। एरो यहाँ पे था तो एक स्थान नीचे आ रहा है इसमें, और जो वर्ग था एक स्थान नीचे तो एक स्थान नीचे यहाँ पे आ चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इजी है, बस आपको देखते चलना है, आपके आंखों का फेर है, आपको जासूस जैसे कार्य करना है, डिटेक्टिव के जैसे आपको छोटी छोटी चीजें देखना है, क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपके सामने दो प्रश्न और दिख रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इनमें हमें क्या करना होता है, इस तरह के आपको प्रश्न मैं दूंगा भी। अब इसमें देखिए एक जैसे सब चित्र दिख रहे हैं, अब आपको अगर नॉर्मल देखोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा इनमें किया क्या है, और बच्चे पेपर में इस तरह के प्रश्न अटेम्प्ट ही नहीं करते, सोचते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा कठिन है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए बहुत इजी है, इनमें देखिए पहला ये ऊपर की ओर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, तब इसमें से इसमें देखिए कितने बदले हैं, देखिए ऊपर की ओर है या नीचे की ओर हो गए, बाकी ये सब सेम है, मतलब एक बदला है, कौन सा, ये वाला बदला है, कितना, एक बदला है। अब इससे मिलाइए इसको, तो देखिए ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये वाला बदल गया है, और ये, मतलब कि कौन बदले हैं, ये दोनों, ये वाला बदल गया है और ये वाला चित्र बदल गया, ये दोनों बदल गए हैं, मतलब कितने बदले हैं इसमें, दो बदले हैं। अब इससे इसकी तुलना कीजिए, तो देखिए पहला तो यही बदल गया है, तो एक ये बदल गया, दूसरा ये वाला भी बदल गया, तीसरा देखिए ये वाला भी बदल गया, चौथा सेम है और पांचवा सेम है, तो इसमें कितने बदले, इसमें आप बोलोगे सर तीन बदले। अब इससे इसकी तुलना कीजिए, तो देखिए ये वाला सेम है, ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, ये वाला सेम है, बस कौन सा बदला है, ये वाला बदला है, एक बदला है, मतलब हम समझ गए, पहले वाले में एक बदल रहा, दूसरे में दो बदल रहा, तीसरे में तीन बदल रहा, और चौथे में एक बदल रहा है, ठीक है ना। तो जो अगला होगा उसमें कितने बदलेंगे, तो दो बदलेंगे, किससे तुलना करेंगे, ये वाले चित्र से तुलना करेंगे, तो जिसमें दो बदले होंगे, तो पहले ऑप्शन नंबर ए से देखिए, ये एक बदला है और ये दो बदला है, ये तीन बदला है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला है यही मैच कर रहा है। देखिए ये तो सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, यहाँ ये भी ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, ये सेम है, मतलब इसमें दो बदले हैं, ये वाला ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा करेक्ट होगा। दूसरे में मिलाइए आप, दूसरे में आप मिलाएंगे तो जो इसमें एक ही बदला है, इसमें एक ही बदला, इस तरह आप मिला लीजिएगा, तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कैसे सीरीज चल रही है, पहले में एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, फिर एक, फिर दो, तो अगले में दो होगा, तो ये बदलाव होगा। अब आपको इसी तरह आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न में देखिए इसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे, तो इसका जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आठवें का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे सी होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसमें आठवें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है आठवें प्रश्न का जो है कौन सा आंसर सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने दो प्रश्न और दिख रहे हैं, ये प्रश्न नंबर आपका हो गया 9 और ये प्रश्न नंबर हो गया आपका 10, ठीक है, ये प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10, ठीक है। आज हम पढ़ रहे थे सीरीज के बारे में और सीरीज का ये हमारा पार्ट पहला था। अब देखिए इसी तरह ये प्रश्न है और इसमें हमें क्या देखना है, अगली आकृति क्या होगी, इसमें अगली आकृति क्या होगी, तो देखिए हमें क्या करना है, ये पहली आकृति है, उसके बाद ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, पांचवी छठवीं क्या होगी, तो देखिए इसमें किया क्या है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे दो लाइन है, सरल रेखाएं हम पढ़ाए हैं आपको सरल रेखाओं से संबंधित, देखिए एक दो लाइन है। अब यहाँ पे देखिए ये दो लाइन तो थी, एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी, तो आप बोलोगे एक दो तीन चार पाँच, इसमें पाँच एक्स्ट्रा बढ़ गई, इसमें से इसमें पांच एक्स्ट्रा बढ़ गई। अब देखिए इसमें क्या थी, ये वाली तो थी प्लस ये वाली तीन, है ना, ये तो सेम, ये पूरा सेम इसी तरह है, और ये पूरा सेम, बस एक लाइन बढ़ गई ये वाली, एक ये बढ़ गई चार, ये तो इसमें भी कितनी बढ़ गई, पांच। अब आगे देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तीन सेम है, अब एक्स्ट्रा क्या बढ़ रहा है, देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या बढ़ रहा है भाई, इसमें ये है तो ये भी है, इसमें ये है तो इसमें भी ये है, इसमें ये है तो इसमें ये है, एक्स्ट्रा ये चार लाइनें बढ़ी हैं,
प्लस एक ये वाली लाइन बढ़ी, इसमें भी कितनी बढ़ी हैं, पांच लाइनें। अब इधर देखिए, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो बढ़ा क्या है? देखिए आप बताओगे बढ़ा कौन है, ये लाइन भी थी इसमें, तीन लाइनें इसकी बढ़ी हैं, एक दो और तीन, और दो इसकी लाइनें बढ़ी हैं पांच, मतलब कि पांच लाइनें बढ़ी हैं। अब अगला जो होगा चित्र, तो उसमें देखिए इसमें भी पांच लाइनें आगे बढ़ेंगी, तो पांच लाइनें किसमें बढ़ेंगी, इसमें क्या बढ़ रही हैं, तो नहीं इसमें नहीं बढ़ रही हैं। अब देखिए इसमें जो बढ़ रही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा, क्यों? क्योंकि देखिए आप बताओगे कि ये वाला चित्र तो सेम है, सेम है, उसके बाद ये वाला भी सेम है, तो आप बोलोगे ये वाला भी सेम है इसके हिसाब से। अब इसमें क्या बढ़ी है, दो लाइनें, कौन सी, ये वाली दो, तो यहाँ से ये वाली दो लाइनें बढ़ गई हैं, और तीन बढ़ी है, कौन सी, एक दो और ये तीन, तीन लाइनें बढ़ी हैं। अब ये दोनों चित्र एक जैसे हैं, तो आप सोच रहे होगे कि ये वाला होगा आंसर या तो ये वाला होगा आंसर, तो मैं आपको बता दूं आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नीचे वाला कवर हो रहा है, नीचे वाला भर रहा है, इसलिए ऊपर उल्टा यू वाला नहीं बनेगा, जो सीधा यू है वो, क्योंकि आप देखिए जितने भी सिंबल में बना है पहले वाला उल्टा यू भरा है, देखिए यहाँ पे भी उल्टा यू है, ठीक है ना, यहाँ जाने के बाद भी ऐसे उल्टा यू है, ठीक है, तो इसी तरह ये वाला आंसर होगा। अब आपको करना क्या है, जो प्रश्न नंबर 10 है उसको आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है, ठीक है ना, तो एक सेकेंड रुकिएगा, शायद लाइट चली गई है। तो आपको जो प्रश्न नंबर 10 है इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है, सेम उसी तरह आप देखिए कितने इसमें बदल रहा, पहले इस तरह था, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, तो इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है कि इसमें कौन सा आंसर अगली आकृति होगी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, कौन सी आकृति होगी, इसमें आपको कमेंट करना है कि कौन सी सही आकृति है, ठीक है ना, तो आपको जा करके कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 10। तो यहाँ से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है, इसके बाद हमारा अगला पार्ट सीरीज का देखेंगे, यकीन मानिए ये टॉपिक में कोई ट्रिक नहीं होती, हमें हमारे ज्ञान के ऊपर हमारी कितनी तार्किक है, इसीलिए इतनी रीजनिंग पढ़ने के बाद हमारा दिमाग कितना विकसित हुआ है, उस हिसाब से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, आपने हमें सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।